भी चल रही है सर यहाँ पे, इसके लायक कोई दूसरी मशीन नहीं चल रही। मैंने पुरानी एक सीजन चलवा के देखी है, उसमें मेरे को अच्छा लगा है, तो इसलिए फिर उसको मैंने हटवा के ये नहीं ली। इसका काम अच्छा लगा है, फसल अच्छी निकाली है, दाना अच्छा बैठता है, खूब अच्छा निकला है, कचरा नहीं आता है, इसलिए साहब मैंने यही खरीदी है। दोस्तों हमारे साथ किसान भाई हैं जिन्होंने जंगीर का थ्रेशर लिया है, उनसे बात करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। क्या नाम है सर आपका? नारायण सिंह नाम है सर। कहाँ से हो सर आप? बेसानी सर। सर आपने जंगीर का थ्रेशर लिया है जी, आपने कहाँ से लिया था सर? ये बानपुरा पाटीदार एग्रीकल्चर, वहाँ से लिया सर। सर आपने, सबसे पहले मैं आपको सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने जंगीर का ही थ्रेशर क्यों लिया? जी मैंने पुरानी एक सीजन चलवा के देखी है, उसमें मेरे को अच्छा लगा है, तो इसलिए फिर उसको मैंने हटवा के ये नहीं ली है साहब, जंगीर ही ली है, फिर बहुत बढ़िया काम करती है। और सर आपको और मशीनों के मुकाबले में जंगीर का थ्रेशर कैसे लगा? नहीं और भी चल रही है सर यहाँ पे, इसके लायक कोई दूसरी मशीन नहीं चल रही है, ये जो चल रही है इससे बेहतर कोई और दूसरी मशीन नहीं लगी है मेरे को, इसलिए मैंने ये जंगीर ही खरीदा है साहब। सर एक बात सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा, आपने इस बार नया थ्रेशर लिया है, इसके मुनाफे की बात करें तो कैसे रहा, इसका काम कैसे रहा इस बार आपका? इसका काम अच्छा लगा है, फसल अच्छी निकाली है, दाना अच्छा बैठता है, खूब अच्छा निकला है, कचरा नहीं आता है, इसलिए साहब मैंने यही खरीदी है जमीन, दाना उठाती नहीं है, अच्छा निकालती है। और सर इसकी सर्विस की बात करें तो सर्विस कैसी रहती है इस मशीन की? बहुत बढ़िया सर्विस है सर इसकी। अपन अपने किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई मेरे हिसाब से तो मशीन ये अच्छी है, जहांगीर मशीन सबसे अच्छी है, जहांगीर के मुकाबले कोई दूसरी मशीन अच्छी नहीं लगी। दोस्तों हमारे साथ एक और किसान भाई हैं, उनसे बात करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह जी हमें जानकारी देंगे इस मशीन के बारे में, आपको जी कैसा लगा इस थ्रेशर? हम ही चला रहे हैं इनको अभी, तो मशीन हम लेके हम ही चला रहे हैं, मेहनत बहुत अच्छी चल रही है, हमको कोई परेशानी नहीं आ रही, जाए जाए निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं आ रही। दूसरी मशीन भी हमने इसके आगे फेल हो गई है, गाला भी बहुत अच्छा ले रही मशीन, कैसे चल भी रही, बहुत अच्छी चल रही। और सर आप अपने किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही कहते हैं कि जहांगीरी लेना तो जहांगीरी लेना, थ्रेशर बहुत अच्छा काम करती है, परेशानी भी नहीं आती। जहाँ हमारी मशीन जाती है सर, वहाँ दूसरी मशीन निकल लेती है वहाँ से। ठीक है सर, जैसे ही काम चलता है बहुत। ये मशीन जहाँ जाती है उसके आगे दूसरी जगह चार मशीन और लगी हुई थी, तो वो चार बंद हुई है, तो मेरे को वहाँ से 10 दिन लगे निकालने में। धनिया भी क्लियर निकाल दी, धनिया भी सब जो फसल है एक नंबर वन निकालती है, कचरा बगदा नहीं आता सब के लिए, उड़ती भी नहीं धनिया, कोई दिक्कत नहीं है, उठाती भी नहीं धनिया। ठीक है सर। और ना ट्रैक्टर के ऊपर लोड होता है, कुछ भी नहीं है। आपके पास सर कितने एचपी का ट्रैक्टर है? ये महिंद्रा का ट्रैक्टर है आपके पास? ये हमारे पास 475 ट्रैक्टर है, ये 45 एचपी का ट्रैक्टर है। कोई लोड वगैरह तो नहीं है? नहीं सर आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है, भी नहीं हुआ अभी तक लोड, आज तक बंद नहीं हुआ नाम से, कोई दिक्कत नहीं आई है इसमें मेरे को। ठीक है सर।